अंतरिक्ष इंसान को हमेशा से लुभाता रहा है। पहले इंसान उसके बारे में सिर्फ कल्पनाएं कर सकता था, फिर उसने अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। रूस ने सबसे पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की। तब से लेकर अब तक कई अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक छोड़े गए हैं, लेकिन फिर भी हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा सके हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठ सके। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 1957 से अब तक सैकड़ों अंतरिक्ष मिशन चांद, प्लूटो, सूर्य और तकरीबन सभी ग्रहों पर भेजे जा चुके हैं, फिर भी हम अभी तक खाली हाथ हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई अंतरिक्ष मिशन हैं जिन्हें वहां भेजा जाना है। ऐसे में हो सकता है कि हम अपने सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के बारे में ऐसी कई बातें जान सके जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। तो आइए जानते हैं 2030 तक भेजे जाने वाले ऐसे ही कुछ अंतरिक्ष मिशन्स के बारे में। हाय दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद पर जाने वाले मिशन चंद्रयान 2 मिशन इसरो। चंद्रयान 2 चांद पर 2018 के सेकेंड हाफ में जाएगा, जिसे पूरे तरीके से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। इस अभियान में एक लूनर ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर भेजा जाएगा। इसके साथ जाने वाला रोवर सौर ऊर्जा से चलेगा, जो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को इकट्ठा करेगा और उनका रासायनिक विश्लेषण कर डेटा को लूनर ऑर्बिटर के पास भेजेगा, जो इसे पृथ्वी तक पहुंचाएगा। इसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने से पहले लैंडिंग साइट की तस्वीर भी भेजेगा। लूना 25 मिशन लूना ग्लोब लैंडर। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने लायक बेस बनाने की संभावनाओं की तलाश कर रही है। 2019 में रोबोटिक यान लूना 25 चांद पर भेजा जाएगा। रूस की योजना हाईटेक लूनर बेस बनाने के साथ वहां इंसानों की कॉलोनी बनाने और साइंस लैब बनाने की भी है। इसके लिए रूस 2030 तक चांद पर 6 अंतरिक्ष यान भेजेगा। चाइनाज चेंज 5 मिशन टू द मून। 2019 में चीन अपने चेंज 5 मिशन के तहत चंद्रमा के अंदरूनी हिस्सों पर पहली बार अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस अभियान के 3 चरण होंगे। इसमें ऑर्बिट में घूमना, जमीन पर उतरना और वापस आना शामिल है। चंद्रमा से मिले सैंपल्स का प्रयोगशाला में परीक्षण होगा और चांद का टोपोग्राफिक और भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाएगा। चीन अगले 5 साल तक लगातार चंद्रमा पर मिशन भेजने की तैयारी में है। पहले इस मिशन को 2017 में भेजा जाना था, लेकिन लॉन्च व्हीकल में खराबी आ जाने से इसे डिले कर दिया गया और अब इसे 2019 में भेजा जाना है। सूरज पर जाने वाले मिशन आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 2019 से 2020 के बीच आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जो सूर्य के सबसे बाहरी भाग की स्टडी करेगा, जिससे कॉस्मिक किरणों, सौर हवाओं और विकिरण के अध्ययन में मदद मिलेगी। अभी तक वैज्ञानिक सूर्य के कोरोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के समय ही कर पाते हैं, लेकिन आदित्य L1 की मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि सौर लपटे धरती पर इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर किस तरह से असर डालती हैं। आदित्य L1 के द्वारा भेजे गए आंकड़ों से मानव निर्मित सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों को बचाने में मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट 10 साल तक सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन। नासा 6 अगस्त 2018 को सोलर विंड का रहस्य जानने के लिए सोलर प्रोब प्लस रोबोटिक यान भेजेगा। ये यान सूर्य के काफी निकट पहुंचकर सौर हवाओं के चुंबकीय क्षेत्रों, कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर आंधी की तीव्रता का कारण और सूर्य के नजदीक मौजूद धूल भरे प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भी फरवरी 2019 में सोलर ऑर्बिटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन कर सूर्य द्वारा हेलोस्फीयर का निर्माण और उस पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया का पता लगाएगा। मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन मार्स 2020 रोवर मिशन। नासा मार्स 2020 रोवर को 2020 के जुलाई महीने में मंगल ग्रह पर लैंड कराएगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी और मंगल दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे।
ये रोवर मंगल ग्रह की सतह पर चट्टानों को खोदकर वहां जीवाणुओं के बारे में पता लगाएगा। उसके बाद रोवर के द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल्स को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा, जिसके अध्ययन से ये पता चल सकेगा कि वहां कभी जीवन मौजूद था या नहीं। फिलहाल अमेरिका के दो रोवर अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी मंगल पर एक्टिव हैं। चीन भी जुलाई या अगस्त 2020 में अपना चाइनीज मार्स मिशन भेजने की तैयारी में है। एक्सो मार्स मंगल पर जीवन की खोज। रूसी और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने और वहां गैसों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए दो चरणों में एक्सो मार्स मिशन को पूरा करेंगी। पहले चरण में एक्सो मार्स यान 19 अक्टूबर 2016 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कार्य मंगल की सतह का फोटो लेना और इसकी हवा का विश्लेषण करना है। दूसरे चरण में 2020 में एक मार्स रोवर भेजा जाएगा जो पता लगाएगा कि मंगल पर जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं। जुपिटर प्लैनेट पर जाने वाले मिशन। यूरोपा पर मिशन। यूरोपा क्लिपर। नासा 2022 से 2025 में बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के चांद यूरोपा पर यूरोपा क्लिपर मिशन भेजेगा। इसका मकसद यूरोपा की बर्फ की सतह के भीतर क्या है इसका पता लगाना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे समुद्र है। यूरोपा पर जाने वाला यान अपनी परमाणु शक्ति से गर्मी पैदा कर बर्फ को पिघलाकर तब तक धंसता जाएगा जब तक वह समुद्र में प्रवेश न कर ले या फिर ये साबित कर दे कि वहां समुद्र नहीं है। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ज्यूस मिशन। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी 2022 में बृहस्पति ग्रह पर अपना जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी ज्यूस यान भेजेगा जो वहां 2030 में पहुंचेगा। 2033 में यह जुपिटर के तीनों चांद यूरोपा गैनीमेड और कैलिस्टो की ऑर्बिट में एंटर कर पता लगाएगा कि वहां जीवन है या नहीं। इस यान में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और बर्फ को काफी अंदर तक छेदने में सक्षम रडार लगे होंगे। शनि पर जाने वाले मिशन। शनि के चांद टाइटन पर मिशन। टाइटन सैटर्न सिस्टम मिशन। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर 2020 में शनि ग्रह और उसके चांद टाइटन और एनसेलेडस का अध्ययन करने के लिए टाइटन एंड सैटर्न सिस्टम मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान भेजेंगे। ये यान 2029 में शनि ग्रह की कक्षा में पहुंचकर इसका अध्ययन करेगा। ये दो साल तक शनि का चक्कर लगाकर जानकारियां जुटाएगा। इसके बाद दो महीने तक टाइटन की हवाओं के नमूनों की जांच करेगा और 20 महीने तक शनि के चांद टाइटन का चक्कर लगाएगा। साथ ही एक हॉट एयर बलून टाइटन के बादलों में छोड़ा जाएगा और एक लैंडर को शनि ग्रह पर मौजूद मीथेन के समुद्र में उतार कर डेटा इकट्ठा करेगा। टाइटन ऑर्बिटर इन आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजेगा। बुध ग्रह पर जाने वाले मिशन। बेपी कोलंबो। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर अक्टूबर 2018 में बुध ग्रह यानी मरकरी के लिए बेपी कोलंबो मिशन की शुरुआत करेंगे। इसमें दो सैटेलाइट मर्क्यूरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर और मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। इस मिशन में बुध ग्रह की उत्पत्ति, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी आंतरिक संरचना और सतह का अध्ययन किया जाएगा। दोनों सैटेलाइट 2025 में मर्क्यूरी प्लेनेट की ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह पर जाने वाले मिशन वेनेरा डी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर वेनेरा डी नामक एक नई परियोजना पर बात कर रहा है। इस परियोजना में डी का मतलब है दीर्घकालीन। इस परियोजना के अनुसार एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा जो शुक्र ग्रह पर उतरने के बाद उसकी सतह पर कुछ दिनों तक काम कर सकेगा। इस मिशन के लिए 2026 की योजना बनाई गई है। साथ ही भारत भी वीनस प्लैनेट पर अंतरिक्ष यान भेजने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, ये वो मिशन है जिन पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द ही इन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये कि दुनिया भर के देश जिन्हें अंतरिक्ष में महारत हासिल है वो दूसरे प्लैनेट या मून्स पर दुनिया बसा कर ही दम लेंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि हमें दूसरे प्लैनेट पर रहने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन कुछ भी कहें रास्ता बहुत ही कठिन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने सारे मिशन्स जो भेजे जा रहे हैं क्या वो दुनिया में तहलका मचा देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।